क्या आप भी कभी कभी दूसरों के व्यवहार से आहत होते हैं? आप चकित होते हैं और कारणों की खोज करते हैं। कारण कभी कभी दिखाई नहीं देते हैं और हमें भ्रम और हताशा की ओर ले जाते हैं। क्या आप उपरोक्त स्थिति में रहे हैं? यदि आप कभी इसमें थे तो कारणों की तलाश यहीं समाप्त होती है। परिचय। आज हम बात करेंगे किताब जिसका नाम है द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर, जिसे रॉबर्ट ग्रीन ने लिखा है। हेलो दोस्तों, आपका हमारा चैनल बिलीव इन बुक्स पर स्वागत है। तो आज आप इस किताब में 18 जीवन को बदलने वाली नियमों को जानेंगे जो मानव प्रकृति ह्यूमन नेचर को समझने में आपकी मदद करेंगे कि लोग जैसा करते हैं वैसा क्यों करते हैं और कैसे सतर्क कॉशियस रहते हैं। इससे हमें यह भी पता चलेगा कि कैसा बर्ताव किया जाए और क्या कदम उठाया जाए। दूसरे शब्दों में हम इसे बहुत ही प्रेरणादायक इंस्पिरेशनल और आनंद से भरा पाएंगे। यह कहना भी सही होगा कि इस किताब की यह समरी सभी लोगों के लिए है। रॉबर्ट ग्रीन 5 अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल बेस्टसेलर किताबों के लेखक हैं। दी 48 लॉज ऑफ पावर उनकी पहली किताब थी जिसकी उनके राइटिंग करियर में एक अहम भूमिका थी। ग्रीन को अपनी इस किताब की वजह से बहुत से विवादों का सामना करना पड़ा। दी 48 लॉज ऑफ पावर की बेहतरीन समरी हम पहले ही अपने साइट पर पब्लिश कर चुके हैं। तो चलिए फिर मानव प्रकृति के 18 नियमों को विस्तार से समझते हैं। एक, तर्कहीनता इरैशनैलिटी का नियम। पहला कानून फैसला लेने के हमारे भावनात्मक लगाव इमोशनल अटैचमेंट को बताता है। दुनिया को तर्क लॉजिक के लेंस से देखने के बदले हमारा ध्यान खींचने वाली परेशानी की बेचैनी दिखाने के लिए हम भावनाओं की तरफ झुकते हैं। दुर्भाग्य से यह ऐसी चीज है जो विरासत में नहीं मिलती है। मानसिकता माइंडसेट को ही ऐसा बनाया जा सकता है जिससे सबसे ज्यादा असर पाया जा सके। आप इस बात से अनजान है कि आपकी भावनाएं आप पर कितनी गहराई से हावी होती है। तर्क में इसके असर को कम करने की क्षमता है, प्रतिक्रिया रिएक्ट करने के बजाय सोचने की जो असल में हो रहा है उसके लिए दिमाग को खोलने की, बिल्कुल उससे उल्टा जैसा आप महसूस करते हैं। ये सहज रूप में नेचुरली नहीं आता है, यह वो शक्ति है जो हमें बढ़ानी पड़ती है। तर्क के रास्ते पर चलना शुरू करने के लिए 3 कदम है। चरण 1, पूर्वाग्रहों को पहचाने रिकग्नाइज द बियासिस। कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका आपको पता होना चाहिए, पुष्टि पूर्वाग्रह कन्फर्मेशन बायस, दृढ़ विश्वास पूर्वाग्रह कन्विक्शन बायस, उपस्थिति पूर्वाग्रह अपियरेंस बायस, समूह पूर्वाग्रह ग्रुप बायस, दोष पूर्वाग्रह ब्लेम बायस और श्रेष्ठता पूर्वाग्रह सुपीरियोरिटी बायस। चरण 2, भड़काने वाले इनफ्लेमिंग कारकों से सावधान रहें। बचपन के ट्रिगर पॉइंट्स बचकानी जल्दबाजी और कैरेक्टर एक्शन से बाहर देखो। अचानक आने वाले फायदे और नुकसान निराशावाद या आशावाद के साथ इनका मुकाबला करें। हम लक के रोल को कम आंकते हैं। बढ़ता हुआ दबाव प्रेशर, लोग दबाव में आकर अलग तरह से काम करते हैं। उत्तेजित करने वाले लोग, जो लोग आप में बहुत ज्यादा भावनाओं को जगाते हैं उनसे दूर रहे। ग्रुप का असर, बड़े ग्रुप से सावधान रहें और अपने खुद के बारे में सोचने की शक्ति को दबा कर रखें। चरण 3, तर्कसंगत सो रैशनल सेल्फ को बाहर लाने की रणनीतियां। खुद को ठीक से समझे, अपनी भावनाओं की जड़ तक जांच करें, जहां से वो शुरू हुए हैं वहां तक झांक कर देखें। अपना प्रतिक्रिया समय रिएक्शन टाइम बढ़ाए, खुद को पीछे हटने के लिए तैयार करें। लोगों को वैसे समझे जैसे वो है, भावनात्मक बिंदु पॉइंट से बचे। सोच और भावनाओं का संतुलन बनाए, संदेह और जिज्ञासा के बीच संतुलन बनाए। तर्क से प्यार करे, खुद को ऐसे तैयार करने से शांति और स्पष्टता क्लैरिटी मिलेगी। 2, अहंकार नार्सिसिज्म का नियम। ये तो मानना पड़ेगा कि हम सब आत्ममुग्ध सेल्फ ऑब्सेस्ड तो है कम से कम कुछ हद तक। अपना प्लान बताते हुए लोगों की रुकावट को कम करने के लिए आप खुद की तारीफ करने की कोशिश करते हैं। द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर। ऐसे लोगों पर भी ध्यान रखें जो पहले हमला बोल देते हैं और आपको अपने नाटक में खींचते हैं। ऐसे लोगों के छुपे हुए इरादों से सावधान रहें। आत्ममुग्ध नार्सिसिस्ट स्पेक्ट्रम, हमें अपने खुद के स्वभाव के लिए सच्चा होना चाहिए और उसे नकारना नहीं चाहिए। हम सब आत्ममुग्ध हैं। हमें अपनी सहानुभूति खुद बनानी पड़ेगी और उसके लिए हमें 4 कौशलें स्किल्स बढ़ाने पड़ेंगे। सहानुभूतिपूर्ण एम्पथेटिक रवैया आप शुरुआत कर सकते हैं, ये सोचकर कि आप कुछ नहीं जानते हैं। दूसरे लोगों के नजरिए को जानने के लिए उत्सुक रहना सीखे। अंतरंग सहानुभूति विसेरल एम्पथी मूड्स पर ध्यान दे
जो बॉडी लैंग्वेज और आवाज के टोन से चलते हैं। लोगों की तरह मिररिंग पीपल, बर्ताव करने से भी सहानुभूति मिल सकती है। विश्लेषणात्मक एनालिटिक सहानुभूति, जिन लोगों को आप समझना चाह रहे हैं उनके शुरुआती दिनों के बारे में जानकारी जमा करें और उनके माँ बाप और भाई बहन से रिश्तों के बारे में जानें। सहानुभूतिपूर्ण कौशल, इस कौशल के लिए एक बात याद रखनी है, जितनी तेजी से आप लोगों से मिलेंगे उतना ही आप बेहतर होंगे, और जितने तरह के लोगों से आप मिलेंगे आपका कौशल उतना है बहुमुखी वर्सटाइल बनेगा। 3. भूमिका निभाने का नियम। आपको यह बताने के लिए किसी की भी जरूरत नहीं है कि लोग हर अवसर पर अलग नकाब पहनते हैं, हालांकि वो अक्सर अपने असली इरादों को अपने चेहरे की अभिव्यक्ति फेशियल एक्सप्रेशन, शरीर मुद्रा बॉडी पोस्चर, घबराहट इशारों नर्वस जेस्चर जैसी चीजों से दिखाते हैं। इन असुरक्षा इनसिक्योरिटीज का पता लगाने के लिए आपको उनसे एक कदम आगे रहना पड़ेगा। छाप प्रबंधन इंप्रेशन मैनेजमेंट की कला। आत्मविश्वास बढ़ाए, मुस्कुराए और जिन लोगों से आप मिलते हैं उनकी तरह बने। सीखे कि खुद को सही इमोशनल मूड में कैसे डालना है। खुद को लोगों के स्टाइल और टेस्ट के मुताबिक ढले। अपनी फर्स्ट अपीयरेंस पर ज्यादा ध्यान दे। अपने दिखावे का पता चलने ना दे। खुद को प्रगतिशील सहनशील और खुले दिमाग वाला दिखाए। अगर दोस्तों आप वीडियो यहाँ तक देख रहे हो और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। 4. बाध्यकारी व्यवहार कंपल्सिव बिहेवियर का नियम। असल में लोगों के किरदार को समझना मुश्किल है। इसको अगर सही से समझेंगे तो लोग अपनी पूरी जिंदगी एक ही राग अलापते रहेंगे। आपको इसे अपने दिमाग में सहन करना पड़ेगा और ऐसे लोगों से लगाव बढ़ाना पड़ेगा जो ताकत और साहस दिखाते हैं। अपने नेगेटिव पैटर्न से सावधान रहने से आप बुरे लोगों से दूर रहेंगे। अगर आप इसका पालन करेंगे तो ये नियम आपको बेहतर बनाएगा। लोगों को जोड़ने और उनके साथ काम करने के लिए चुनते वक्त उनकी प्रतिष्ठा रेप्यूटेशन या जो इमेज वो दिखाना चाहते हैं उससे मोहित ना हो, बल्कि खुद को उनकी गहराई तक देखने के लिए ट्रेन करे और उनका चरित्र देखे। उनकी मुसीबत से निपटने, लोगों के साथ काम करने, उनके धैर्य पेशेंस और सीखने की क्षमता को समझे। मजबूत चरित्र का एक आदमी सोने की तरह है दुर्लभ रेयर पर अमूल्य। वो खुद को अनुकूल बनाते हैं, सीखते हैं और खुद को बेहतर बनाते हैं। 5. लोभ कवेटसनेस का नियम। ये अजीब है पर सच है। ये दिखाता है कि इंसान अपने हाथ से फिसलती हुई चीज को पाने के लिए क्यों झुकता है। आप इस गति मोमेंटम को अपने आसपास एक रहस्यमय आभा मिस्टीरियस ऑरा बनाने और उस स्थिति का फायदा ले सकते हैं। यह एक रोल मॉडल बनने और इज्जत पाने का एक बेहतर तरीका है। लोग अनजानी चीजों को जानना बेहद पसंद करते हैं और इन नियमों से खेलने से आपको फायदा मिल सकता है। द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर बुक। हाजिरी और गैरहाजिरी का हम पर गहरा असर पड़ता है। बहुत ज्यादा हाजिर होना घुटन बनता है और थोड़ी गैरहाजिरी हमारी रुचि को बढ़ाता है। हम हमेशा उसे पाने की कोशिश करते हैं जो हमारे पास नहीं है। अपने आसपास थोड़ा रहस्य बनाएं, रणनीतिक अनुपस्थिति स्ट्रैटेजिक एब्सेंस का इस्तेमाल करें ताकि लोग आपकी वापसी चाहे और आप जैसा बनना चाहे। लोगों को दिखाए कि वो जिंदगी में क्या खो रहे हैं और उन्हें क्या करना है और वो उस चाहत से दीवाने हो जाएंगे। 6. अदूरदर्शिता शॉर्ट साइटेडनेस का नियम। कुछ लोगों के लिए लॉन्ग टर्म बनाए रखना बहुत ज्यादा हो जाता है। वो हाल ही की प्रवृत्तियों ट्रेंड्स राय ओपिनियंस से आकर्षित होते हैं। ये लोग जो अपने नाक के आगे नहीं देख पाते हैं अक्सर अदूरदर्शिता वर्ग कैटेगरी में आते हैं। ऐसे लोगों से दूर रहे और ऐसे लोगों के साथ रहे जिनके लक्ष्य दीर्घकालिक लॉन्ग टर्म हो। ये आपके स्वभाव में है कि आप सबसे ज्यादा अपने वर्तमान में सुनी और देखी हुई चीजों से प्रभावित होते हैं, लेटेस्ट खबरों आसपास के लोग के राय और कार्यों से जो सबसे ज्यादा नाटकीय होते हैं। लोगों को उनके नजरिए से परखना सीखे। ऐसे लोगों से बचे जो अपने कार्य के परिणाम ना देख सके, वो आपको इस ऊर्जा से प्रभावित कर देंगे। अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों से कभी नजर न हटाएं। एक अच्छे नजरिए से आप में हर उद्देश्य पर्पस तक पहुंचने का धैर्य और स्पष्टता होगी। अदूरदर्शिता के 4 साइंस और उससे बाहर निकलने की रणनीतियां। अनायास नतीजे अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस। हर ग्रुप या टीम में कम से कम एक आदमी को किसी भी रणनीति के हर संभावित नतीजे पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस को संभालने का इंचार्ज बनाएं। कोशिश करें किसी विवेकपूर्ण प्रूडेंट
दिमाग वाले इंसान को। सामरिक नरक, टैक्टिक हेल, आप खुद को बहुत से संघर्ष या लड़ाइयों में उलझा पाएंगे। आपने अपने दीर्घकालिक विजन को खो दिया है, जिसके लिए आप असल में लड़ रहे हैं। उसकी जगह ये आपके अहंकार को बढ़ावा देने और खुद को सही साबित करने का सवाल बन गया है। एक ही समाधान है कि इन लड़ाइयों से निकल जाना, खासकर कि अगर यह अक्सर होती है। अपने कार्य से जीतो, ना कि अपने शब्दों से। अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों के बारे में फिर से सोचना शुरू करें। अपनी जिंदगी में वैल्यूज और प्राथमिकताओं, प्रायोरिटीज की एक सीढ़ी बनाएं, खुद को यह याद दिलते हुए कि आपके लिए असल में क्या मायने रखता है। टिकर टेप फीवर। जब हम किसी तरह की परेशानी या रुकावट का सामना करते हैं, तो हमें चीजों को धीमा करने और कदम पीछे लेने की कोशिश करनी चाहिए। कदम बढ़ाने से पहले एक या दो दिन का इंतजार करें, और इन परेशानी का सामना करते वक्त हमें ये साफ तौर पर पता होना चाहिए कि हमारा दीर्घकालिक लक्ष्य क्या है और उन्हें कैसे पाना है। लॉस्ट इन ट्रिविया। आप अपने काम के मुश्किल होने से परेशान हो जाते हैं। आप सबसे ऊपर होना चाहते हैं ताकि आप चीजों को बेहतर तरीके से काबू कर सकें, पर आप जानकारी में डूब रहे हैं। आपको मेंटल फिल्टरिंग सिस्टम की जरूरत है, जो प्राथमिकताएं और दीर्घकालिक लक्ष्यों पर आधारित हो। आखिर में आपको क्या पाना है ये पता होना, आपकी बेकार में से जरूरत की चीजें निकालने में आपकी मदद करेगा। साथ रक्षात्मकता, डिफेंसिवनेस का नियम, द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर समरी। ये कहने की जरूरत नहीं है कि वक्त के साथ लोग डिफेंसिव हो गए हैं और जब कोई बदलाव की बात करता है तो वो भड़क जाते हैं। अगर आप उनकी रुकावट को कम करना चाहते हैं, तो आपको उन्हें, उनके नजरिए को बदलने के लिए उकसाना होगा, बिना उनको नाराज किए। अगर आपको तेजी से अपने लक्ष्यों को पाना है, तो आपको रचनात्मक, क्रिएटिव बनना होगा। अपने अच्छे इरादों को समझाएं और उन्हें महसूस कराएं कि वो अपने राय और पैटर्न के काबू में हैं। साथ रक्षात्मकता, डिफेंसिवनेस का नियम, द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर समरी। ये कहने की जरूरत नहीं है कि वक्त के साथ लोग डिफेंसिव हो गए हैं और जब कोई बदलाव की बात करता है तो वो भड़क जाते हैं। अगर आप उनकी रुकावट को कम करना चाहते हैं, तो आपको उन्हें, उनके नजरिए को बदलने के लिए उकसाना होगा, बिना उनको नाराज किए। अगर आपको तेजी से अपने लक्ष्यों को पाना है, तो आपको रचनात्मक, क्रिएटिव बनना होगा। अपने अच्छे इरादों को समझाएं और उन्हें महसूस कराएं कि वो अपने राय और पैटर्न के काबू में हैं। जिंदगी मुश्किल और लोग प्रतिस्पर्धी, कंपिटिटिव है। हमें अपनी रुचियों का ध्यान रखना चाहिए। हम यह भी महसूस करना चाहते हैं कि हम आजाद हैं और अपना काम खुद करते हैं। इसलिए जब लोग हमें बदलना चाहते हैं, तो हम डिफेंसिव और प्रतिरोधी, रेजिस्टेंट हो जाते हैं। इसलिए लोगों को उनकी डिफेंसिव पोजीशन से हटाने के लिए आपको यह दिखाना होगा कि वो जो कर रहे हैं, अपनी मर्जी से कर रहे हैं। लोगों पर उनकी मान्यताओं के लिए कभी हमला ना बोले और उनकी समझदारी और अच्छाई के लिए उन्हें असुरक्षित, इनसिक्योर महसूस ना कराएं। अपने जिद्दी, स्टबर्न स्वभाव को काबू करना सीखें और अपने दिमाग को डिफेंसिव और क्लोज्ड पोजीशन से आजाद करना होगा, ताकि आपकी रचनात्मक शक्ति जागरूक हो सके। 8. आत्मतोड़फोड़, सेल्फ सैबोटेज का नियम। जैसा आप महसूस करते हैं, वैसा ही दिखाते हैं। खुद को पूरी तरह नकारात्मकता और डर तक सीमित करके, जिन भी लोगों के साथ आप कुछ भी शेयर करते हैं, वो आपकी आदत को भांप लेंगे। ऐसा रवैया, एटीट्यूड, आपकी सफलता के मौकों को कम करेगा। सुनने में ये थोड़ा घिसापिटा, क्लीशे लगेगा, पर सकारात्मक रवैया ही आपके और सफलता के बीच खड़ा है। ऐसे मानसिकता को बढ़ाना ही आपको हर चीज में से श्रेष्ठ पाने में मदद कर सकता है, और वहां भी आप अवसर ढूंढ सकते हैं जहां लोगों को जाल, ट्रैप दिखता है। हम सबका दुनिया को देखने, चीजों को समझने और आसपास के लोगों के कार्य को समझने का एक अलग नजरिया है। ये हमारा रवैया है और इसी की वजह से हमारी जिंदगी में हमारे साथ सब कुछ होता है। अगर हमारा रवैया डरने वाला है, तो हम हर चीज में नकारात्मकता ही देखते हैं। हम खुद को मौके, चांस लेने से रोकते हैं। हम गलतियों के लिए दूसरे को जिम्मेदार बताते हैं और उनसे सीखते नहीं हैं। हम अपना करियर और रिश्ते खराब कर देते हैं, अनजाने में ऐसे हालात बनाकर जिससे हम सबसे ज्यादा डरते हैं। हालांकि इंसान का स्वभाव लचीला, मैलिएबल है। अपने रवैये को थोड़ा और सकारात्मक, खुला और लोगों को झेलने वाला बनाकर, हम अलग ही दुनिया में पहुंच सकते हैं। हम नए अवसर बना सकते हैं और लोगों को अपने तरफ आकर्षित कर सकते हैं। 9. दमन, रिप्रेशन का नियम, लोग वैसे नहीं हैं जैसा वो दिखाते हैं।
अपने दिल के अंधेरे को छुपाने की कोशिश करना उनके स्वभाव में है। कुल मिलाकर ओवरऑल अज्ञानता इग्नोरेंस को समझने से पहले किसी को भी पहले अपनी डार्क साइड को देख लेना चाहिए। अपनी इस पेचीदा एनिग्मैटिक साइड को समझ लेने से आप एक पॉइंट पर पहुंचते हैं जहां आप एक ऑब्जर्वर बन सकते हैं। इस कार्य का लोगों को आप तक लाने में बहुत बड़ा रोल है। ये डार्क साइड आपके बर्ताव में झलकती है और आपको नुकसान पहुंचाती है। परछाई के इशारों को समझना सीखें इससे पहले कि वो जहरीले बन जाए। डार्क साइड को अपनी व्यक्तित्व पर्सनैलिटी में मिलाकर आप पूरे इंसान बनेंगे। अगर दोस्तों आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो आप सभी का धन्यवाद, और अगर आपने हमारे चैनल बिलीव इन बुक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी और भी बुक समरी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। 10 ईर्ष्या एनवी का नियम। आज का समाज पद पोजिशन स्टेटस और उपलब्धि अचीवमेंट के लिए संघर्ष करने का साथ देता है। हालांकि ये जिद्दीपन को बढ़ाता है जो जलन का कारण बन सकता है। कुछ लोग सिर्फ दूसरे की सफलता की नकल करने की उम्मीद करते हैं, पर सब नहीं। खुद की दूसरों से तुलना सिर्फ आपकी ही वैल्यू को कम करती है और समाज में आपकी पद पोजिशन को खतरे में डालती है। याद रहे, कार्य शब्दों से ज्यादा तेज बोलते हैं। द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर हिंदी। हम इंसान दूसरे से खुद की तुलना जरूर करते हैं। हम लगातार लोगों के स्टेटस को नापते हैं, जितनी इज्जत और ध्यान उनको मिलता है, और यह नोटिस करते हैं कि हमारे पास जो है और जो उनके पास है उसमें क्या फर्क है। हम में से कुछ के लिए यह अपने काम के जरिए बेहतर बनने का इशारा होता है, बाकियों के लिए यह गहरी जलन का कारण बन सकता है और यह भावनाएं बहुत नुकसान पहुंचा सकती है। खुद से ध्यान हटाकर जलन को खत्म करना सीखे। अपनी वर्थ को बढ़ाए ना कि तुलना करे। 11 भव्यता ग्रैंडियोसिटी का नियम। हर तरह से इंसानों में बहुत सी चीजों के बारे में सोचने की आदत होती है। इसमें हमारी सफलता का लालच भी आता है जो ऊंचे सामाजिक स्टेटस से जुड़ा हुआ है। अक्सर यह ख्याल बहुत बड़ा आकार ले लेते हैं जो असली सच्चाई से बहुत दूर होता है। हम बेहतर बनने की कोशिश में असलियत खो देते हैं, जिसकी वजह से हम बिना तर्क के फैसले लेते हैं और सिर्फ कल्पना तक सीमित रहते हैं। सफलता के लिए आपका रवैया, आपका योगदान और दूसरे लोगों की जिंदगी में आप जो वैल्यू लाते हैं उसके अनुरूप होना चाहिए। अक्सर हमारी छोटी सी सफलता हमारी बड़े होने की सोच को खतरनाक स्तर लेवल तक बढ़ा देती है। हम किस्मत की भूमिका और दूसरे लोगों का योगदान भूल गए हैं। सच्चाई से दूर होकर हम बिना तर्क के फैसले करते हैं, इसलिए हमारी सफलता अक्सर बनी नहीं रहती है। हमें खुद में से ये दूसरों से बड़े होने की सोच को कम करना होगा और हमारी सीमाओं के अंदर की असलियत को बनाए रखना होगा। महान होने की भावनाओं को अपने काम उपलब्धियां और समाज के योगदान से जोड़कर रखें। 12 लिंग कठोरता जेंडर रिजिडिटी का नियम। सच में औरत और आदमियों को जादुई छड़ी घुमाकर काबू करने जितना आसान नहीं है। आपको खुद पर काम करना होगा और यह समझना होगा कि ये आपकी सोच पर कैसा असर डालता है और आपको दिन प्रतिदिन की मतभेद में मजबूत और अनुमानित बनाता है। औरत और आदमियों की इस ऊर्जा के निशानों को मिटाकर आप दुनिया के सामने अपना प्रमाणित ऑथेंटिक वर्जन रखते हैं। आसान शब्दों में जेंडर रोल प्ले करने के लालच से बचकर आप सफलता तक जल्दी पहुंच सकते हैं। हम सब में औरत और आदमियों की खासियतें होती हैं, कुछ आनुवांशिक जेनेटिक होती हैं और कुछ दूसरे लिंग जेंडर के माता पिता से आती हैं। पर समाज में एक पहचान पाने के लिए हम इन खासियतों को बदलते रहते हैं। औरत और आदमी की भूमिका को पहचान कर जो हमसे उम्मीद की जाती है और हम इसकी कीमत चुकाते हैं। हम अपने चरित्र को खो देते हैं। आपको इन खोई हुई खासियतों का पता होना चाहिए और उनसे फिर से जुड़ना चाहिए ताकि रचनात्मक शक्तियां बन सके। 13 लक्ष्यहीनता एमलेसनेस का नियम। इस डिजिटल एज में कभी कभी लोगों को अस्थायी निराशाओं और असफलताओं से निपटने के लिए खुद से आगे बढ़ना पड़ता है। लगातार हार मिलना दिशा भटक जाने का ही कारण नहीं होता है, पर ज्यादातर यही होता है। लघु अवधि शॉर्ट टर्म मानसिकता से हम डर का सामना करते हैं जो दीर्घकालिक में हमें परेशान कर सकता है। इसलिए बिना लक्ष्य का खेल बहुत खतरनाक हो सकता है। भविष्य का नजरिया और उसकी कल्पना इस बिना मकसद के सेंस से लड़ने का सबसे श्रेष्ठ तरीका है। हम इंसानों को अपने सचेत कॉन्शियस फैसले पर निर्भर रहना पड़ता है। जब जिंदगी में करियर पाथ और अपनी असफलताओं को संभालने की बात आती है
तो हम जो भी श्रेष्ठ कर सकते हैं वो करते हैं, पर हमारे दिमाग में हम दिशा की कमी होने का एहसास महसूस कर सकते हैं। इससे बचने का बेहतरीन तरीका यह है कि सेंस ऑफ पर्पस को बढ़ाना और इस जानकारी को दिशा देने के लिए इस्तेमाल करना, यहां तक कि हमारी शंका, डाउट और असफलताओं का भी एक उद्देश्य, पर्पस होता है, हमें मजबूत करना। इस ऊर्जा और दिशा के साथ हमारे कार्य को कमाल की ताकत मिलती है। 14. अनुरूपता, कन्फॉर्मिटी का नियम। लोग खुद का आत्मविश्वासी, कॉन्फिडेंट और आत्मनिर्भर, सेल्फ सफिशिएंट होने का प्रभाव देना चाहते हैं। बुराई के डर से भीड़ की नकल करते हैं। इस ग्रुप मानसिकता से हम जितना दूर हटना चाहते हैं, उतना ही हमारी जिंदगी में वापसी का कोई बिंदु, पॉइंट नहीं बचता। ऐसा करने में हम अपनी विशिष्टता, यूनिकनेस खो देते हैं और बुरा महसूस करते हैं। हमारे चरित्र की एक साइड होती है जिससे हम अनजान होते हैं, वो इंसान जो हम लोगों के ग्रुप्स के बीच बन जाते हैं। इस ग्रुप सेटिंग में हम अनजाने में लोग जो भी करते हैं या कहते हैं उसकी नकल करने लगते हैं। हम अलग सोचते और अलग भावनाओं को महसूस करते हैं। हम ज्यादा जोखिम लेते हैं क्योंकि सभी ऐसा कर रहे हैं। हमारी सामाजिक शख्सियत, सोशल पर्सनैलिटी, हम जो हैं उसे हावी, डोमिनेट करती है। दूसरों को इतना सुनने से हम धीरे धीरे अपने अलगपन और खुद के बारे में सोचने की शक्ति को खोने लगते हैं। इसका हल है कि आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस को बढ़ाए। इस समाज के साथ हम बेहतरीन सोशल एक्टर्स बन सकते हैं जो दूसरों के साथ फिट और कॉर्पोरेट कर सकता है, साथ ही अपनी आजादी और तर्क को बनाए रख सकता है। 15. चंचलता, फिकलनेस का नियम। जब आप एक नेता की भूमिका निभाते हैं तो कठोर इलाज के लिए खुद को तैयार रखें। हर एक गलती जो आप करेंगे वो दूसरे किसी के लिए एक मौका होगा आगे बढ़कर आपका ताज छीन लेने का। इसका हाल यह है कि अपने जमीन से जुड़े रहे और इन हमलों का सामना करे। इस प्रक्रिया में आपके अधिकार, अथॉरिटी पर सवाल किए जाएंगे और आपका स्टेटस पूछताछ का विषय बन जाएगा। इस बड़ी ताकत को संभालने वाले को लोगों की मदद करनी चाहिए खुद को एक सही नेता दिखाने के लिए। अनुभवी नेता इस कला का अभ्यास करते हैं क्योंकि वो इसके साइड इफेक्ट्स जानते हैं। हालांकि नेतृत्व का स्टाइल वक्त के साथ बदल गया है, एक चीज वही है, सत्ता में रहने वालों के लिए लोग हमेशा महत्वाकांक्षी, एम्बिशियस रहते हैं। वो नेतृत्व करना चाहते हैं पर आजाद भी महसूस करना चाहते हैं। बिना बलिदान दिए वो सुरक्षित रहना और सफलता का मजा लेना चाहते हैं। जब आप एक ग्रुप के नेता होते हैं तो लोग आपको लगातार उस पल उकसाते हैं जब आप कमजोर महसूस कर रहे होते हैं। यह न सोचे कि उनकी वफादारी पाने के लिए आपको क्या करने की जरूरत है, क्योंकि इसका मतलब है उनके बराबर या उनका दोस्त होना। लोग आपकी क्षमता पर शक करेंगे, अपने इरादों के लिए रहस्यमयी बने और छुपी हुई निंदा से जवाब दें। अगर आपको नेतृत्व करना है तो इस कला की महारत हासिल करें। एक बार अपने लोगों का भरोसा पालिए तो वो आपके साथ खड़े रहेंगे चाहे हालात कितने भी बुरे क्यों ना हो। 16. आक्रामकता, एग्रेशन का नियम। दुनिया को आपकी ऊर्जा की जरूरत है। लोग हर मुमकिन कोशिश करते हैं आपको बेहतर बनाने की। वो अलग अलग लोगों को आगे बढ़ाने और उनके बड़े होने का दावा करके अपनी लालसाओं को पूरा करने की कोशिश करते हैं। ऐसे ग्रुप के साथ डील करने के लिए एक्सपर्टीज की जरूरत होती है। अगर आप इन आक्रामक मूव्स के ऑब्जर्वर बने रहे तो आप तब भी खड़े रह पाएंगे जब चीजें आपके हाथ से निकलने लगती है। आक्रामक ऊर्जा बुरी नहीं है, अगर आप इसे काबू कर सकते हैं तो अस्थाई, टेम्पररी असफलताओं के बावजूद ये आपको बांधे और दृढ़ निश्चय, डिटरमाइंड रखती है। आपके आसपास के लोग ऊपर से बहुत ही सभ्य और सुशील लगते हैं, पर इस नकाब के नीचे वो बेहद चिड़चिड़ाहट, फ्रस्ट्रेशंस का सामना कर रहे हैं। आपको लोगों की असंतुष्ट, आक्रामक, एग्रेसिव इच्छाओं को देखना चाहिए। वो आपको भावनात्मक, आक्रामक और सोचने न देने पर निर्भर करते हैं, उनको यह ताकत ना दे। जब बात आपके आक्रामक ऊर्जा की आए तो आप इसे काबू करना और उत्पादक उद्देश्यों, प्रोडक्टिव पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करना सीखे। खुद के लिए खड़ा होना, परेशानियों पर हमला बोलना और बड़ी महत्वाकांक्षाओं, एम्बिशंस को पहचानना। 17. जेनरेशनल मायोपिया का नियम। जेनरेशन गैप कोई झूठ नहीं है, क्योंकि हर नई पीढ़ी अपनी अलग वैल्यूज और एजेंडा बनाती है। वो अपने सदस्यों का बर्ताव बनाती है और उसे दुनिया पर एक ताकतवर प्रभाव डालने के लिए लगाती है। दिक्कत यह है कि फिर से हम इसे अपनी सहजता की कीमत पर कर रहे हैं। हम रचनात्मक, क्रिएटिव,
के मामले में खुद को रोक रहे हैं, बिना इन अवधारणाओं कॉन्सेप्ट्स पर शक किए। आप जिस पीढ़ी में पैदा हुए हैं वो आपकी कल्पना से ज्यादा बताती है कि आप क्या है। आपकी पीढ़ी खुद को पिछली पीढ़ी से अलग करना चाहती है और दुनिया के लिए एक नई धुन बनना चाहती है। आपका काम है ये समझने कि आप कौन हैं और आप दुनिया को कैसे देखते हैं। आप वो बन सकते हैं जो वो नए ट्रेंड सेट करेगा जिसकी आपकी पीढ़ी को भूख है। 18 डेथ डिनायल का नियम, द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर, रॉबर्ट ग्रीन। मौत हम सब पर हंसती है और ये सच है। इसके होने की अप्रत्याशितता अनप्रिडिक्टेबिलिटी का पता होना सच में एक दमदार टूल है जिसे आप पा सकते हैं। ये आपका एक सेंस ऑफ अर्जेंसी बनाने में मदद करता है जिससे आपके डेली के कामों को फ्यूल मिलता है। अपने दिमाग को इसी तरीके से सोचने के लिए ट्रेन करना भी परिणाम जल्दी पाने का एक बेहतरीन तरीका है। हम में से ज्यादातर लोग मौत के ख्याल को अनदेखा करके जिंदगी जीते हैं, बल्कि इसका ख्याल हमेशा हमारे दिमाग में होना चाहिए। जिंदगी की कमी का एहसास हमें हमारी सेंस ऑफ पर्पस से भर देता है और लक्ष्यों की तात्कालिकता अर्जेंसी का एहसास कराता है। इससे हमें सेंस ऑफ प्रोपोर्शन भी मिलती है कि इस छोटी जिंदगी में क्या असल में मायने रखता है। बहुत से लोग लगातार खुद को दूसरे से अलग करने की कोशिश करते हैं, जबकि हम सबको एक जैसा समझ कर देखना चाहिए कैसे ये हम सबको बराबर करके जोड़ती है। निष्कर्ष, द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर से प्रमुख सीखें, लेसन्स। छोटी सोच से लड़े, जब कोई चीज गहराई तक आपके दिल में बसी हो तो अपनी मानसिकता शिफ्ट करना आसान नहीं होता है। जो लोगों ने आपको सिखाया है उसके बावजूद धक्का देने और प्रभावित करने वालों को उंगलियों पर गिना जा सकता है। आपको अपनी राय रखने से पहले दूसरे की राय की इज्जत करनी चाहिए, ऐसा न दिखाए कि आप सब जानते हैं। हालांकि हम खुद को बेकार की टिप्स मानने से रोकते हैं, पर ये पूरी तरह से मेरिट पर आधारित है। आप अपनी बैरिंग को जाने बिना अपनी मंजिल तक कैसे पहुंच सकते हैं, ये एक सीधी सी प्रक्रिया है जो आपको विश्वास के साथ आगे बढ़ने और अनुमानित खतरों का सामना करने के लिए प्रेरित करता है। तो दोस्तों, यह रहिए आज के हमारे बुक सुमरी। उम्मीद करता हूँ यह बुक समझ आपके लिए काफी हेल्पफुल रही होगी। और दोस्तों, अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि दोस्तों हम लोग 1 के सब्सक्राइबर्स के काफी करीब है, तो आपका एक एक सब्सक्राइबर बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड